लाइव पे आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव डॉक्टर सदानंद फुलझेले, इनका रविवार सुबह देहांत हुआ। वह 92 वर्ष के थे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने 1956 को नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। वही दीक्षा भूमि निर्माण कार्य में डॉक्टर फुलझेले इनका बड़ा योगदान मिला। डॉक्टर फुलझेले इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 1942 में स्थापना हुई, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको पहली बार देखा था। डॉक्टर फुलझेले अपने कॉलेज के समय से ही समता सैनिक दल और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में काम कर 1956 को वह नागपुर के उप महापौर हुए थे। उसी दौरान दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके साथ मुलाकात हो गई। जब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर फुलझेले इन्होंने संभाली थी। उसके बाद दीक्षा भूमि निर्माण कार्य में अपनी भूमिका निभाई। 1963 साल से अभी तक डॉक्टर फुलझेले दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सचिव पद पर रहे। उनके जाने से अम्बेडकरी मिशन को गहरी हानि हुई, ऐसा मान्यवरों ने कहते हुए शोक व्यक्त किया। बेल तरोड़ी में एक घर के दूसरे माले पे खेल रही 2.5 साल की छोटी सी बच्ची का खेलते समय संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। इसे नन्ही सी लड़की का नाम अनिका संजय तुरले है। पुलिस के अनुसार संजय तुरले बेल तरोड़ी पुलिस स्टेशन के पहाड़ी इलाके में साकेत नगर में रहते हैं। उनके 2.5 साल की बेटी अनिका शनिवार सुबह 11 बजे घर के दूसरे माले के गैलरी में खेल रही थी। खेलते खेलते उसने अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिर गई। टक्कर लगने से वह घायल हो गई। उसे धंतोली के न्यूरॉन हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के 4 घंटे बाद ही अनिका की मृत्यु हो गई। इस हादसे को बेल तरोड़ी पुलिस स्टेशन ने दुर्घटना में मृत्यु दर्ज किया। इस हादसे से साकेत नगर में शोक की लहर छाई हुई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।